हेलो दोस्तों, मैं हूँ भारती। तो एक्रेलिक बोतल तो सभी के यहाँ खाली पड़ी होंगी। जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं उनके यहाँ तो बिल्कुल भी मिल जाएंगी। और मेरे पास भी ये काफ़ी बोतल हो गई थी, तो मैंने सोचा इनको फेंकने से तो अच्छा है कुछ मैं बना लूँ DIYs। तो मैंने 2 DIYs बनाए हैं और दोनों मैंने दीपावली के लिए बनाई हैं, ताकि मैं इनके ऊपर दिया रख सकूं। तो ये कलरफुल DIYs देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जब इन पे दिया रख के मैं जलाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेंगे। और वैसे भी ये ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, इतने डिफरेंट तरह के लोग DIYs बना रहे हैं, फ्लावर कहीं कुछ वगैरह वगैरह। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी इन एक्रेलिक बोतल से कुछ बना लूँ। तो मैंने वॉल पुट्टी से ये डिज़ाइन बनाई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल पुट्टी में पानी और फेविकॉल की सहायता पेस्ट बना लिया जाता है, और इसमें जब तक फर्स्ट लेयर नहीं सूख जाए तब तक आप सेकंड लेयर पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गीला होता है। अगर आप बराबर इस पर काम करेंगे तो ये या तो क्रैक हो जाएगा या तो फिर आपका बनेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले फर्स्ट लेयर आपकी सूख जाए, इसके बाद आप करें अगर आपको वॉल पुट्टी से बनाना हो तो। वरना तो मॉल्डेड क्ले अच्छी है, लेकिन बस थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो मैंने सोचा वॉल पुट्टी से ही बनाए, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आजकल वैसे भी धूप निकल रही है तो जल्दी से सूख जाती है। तो फर्स्ट लेयर मेरी सूख चुकी है, सेकंड लेयर भी मैं कर चुकी हूँ। अब आ गया है कलर करने का टाइम, तो मैं इसमें कलर कर रही हूँ। तो जब तक थोड़ी सी एक कलर करने के बाद सूखने को रख दिया है मैंने, तो मैंने सोचा ये कर दूँ। देखिए कलर सूख चुका है, तो अब मैं इसमें भी करूँगी। तो मैंने कुछ तो वाटर कलर यूज किए हैं, जो कलर मेरे पास एक्रेलिक नहीं है वो मैंने वाटर कलर यूज कर लिए हैं, और जो मेरे पास एक्रेलिक कलर हैं वो मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज किए हैं। आप चाहे कोई और भी कलर कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ख़रीद के ही लेके आओ तभी करो। तो आपके पास जो रखा हो सामान आप उसी से कलर कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो मेरे पास जो सामान रखा हुआ था मैंने उसी से बनाई है, और आप अपनी पसंद की डिज़ाइन कर सकती हैं इसमें। तो मैंने एक कैमल में फ्लावर बनाए, एक में डॉट डॉट कर दिया है, तो ये अलग अलग डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही हैं। जब रात में इस पे दिया रख के जलाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। और छोटी चीज़ तो वैसे भी सभी लोगों को अच्छी लगती है। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे आपको तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में एक बेल आइकन है जिसको हिट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्दी से कमेंट करके तो बता दो पहले आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जल्दी से प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।